हमारे स्पेशल सेशन जज्बा जीत का, जो कि स्पेशल हमने एचसीएस 2021 के लिए एक सेशन स्टार्ट किया है, उस सेशन में हमने स्टार्ट किए इंडियन पॉलिटी और उसी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की। हम आपको बताएंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या निहित है भारत के संविधान में, बताएंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है, और बताएंगे विस्तार से हम, और बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संबंध की कड़ी है, यानी वो अनुच्छेद जो बाध्य करता है राष्ट्रपति को हर जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री को। हम आपको बताएंगे विस्तार से, बताएंगे किन किन आयोगों के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हम आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 74 सब क्लोज 1 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। एग्जामिनर आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता देने और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। आपका आंसर होगा आर्टिकल 74 सब क्लोज 1। बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में दिया गया है भारत के संविधान आर्टिकल 75 सब क्लोज 1 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल, संविधान में प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल तय नहीं है। प्रधानमंत्री के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन इस प्रकार है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के पास एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करने के बाद जो मंत्री परिषद जो बनेंगे उनकी सिफारिश करेगा प्रधानमंत्री और वो नियुक्त किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति की मर्जी से मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। कोई एक मंत्री जो 6 माह तक किसी लगातार संसद का सदस्य नहीं है वह मंत्री पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। यानी कोई भी मंत्री बन सकता है लेकिन 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा और वो 6 माह बाद नहीं बना तो वो अयोग्य है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संबंध अथवा कड़ी संविधान के अनुच्छेद 78 में दी गई है, जहां बताया गया है प्रधानमंत्री के कर्तव्य निर्दिष्ट और उनके निर्वहन के लिए राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अक्सर एग्जाम में आता है किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए बाध्य है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 78। इसके अलावा विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जिसमें राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उससे पहले योजना आयोग था जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते थे, अब वो रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। हमने आपको बताया प्रधानमंत्री के बारे में, बताया हमने कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो कि नहीं था आर्टिकल 75 सब क्लोजन में। हमने बताया कि किस अनुच्छेद के तहत बाध्य है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, वह अनुच्छेद 78। हमने बताया कि किस तरह की व्यवस्था से एक मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम करता है जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, जो नहीं था आर्टिकल 74 सब क्लोज 1 में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।